दोस्तों ये है पोको M6 5G जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग फोन है क्योंकि ये 9000 के अंडर आपको मिल जाता है और अभी तो इसका प्राइस लगभग 8400 के आसपास हो चुका है। हमें इसको यूज करते करते लगभग 4 से 5 महीने होने जा रहे हैं एंड आज की वीडियो में आपको इसका पूरा एक्सपीरियंस बताने वाले हैं। तो देखिए अगर इसके डिजाइन वाइज की बात करें तो ये इसको प्लास्टिक के साथ देखने को मिलता है, हालांकि इसको स्काई डांस डिजाइन मतलब बोला है इसको, जो प्रीमियम सी लुक देता है, इसे रिफ्लेक्टिव करता है एंड कोई फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान कुछ भी नहीं देखने को मिलते हमें। एंड इसका जो पीछे से रिंग वाले जो कैमरा का कटआउट है ठीक लगता है देखने में, हालांकि इतना ज्यादा प्रीमियम भी नहीं लगता, ये थोड़ा सा मोटा हमें लगा क्योंकि इसकी 8.09 mm की थिकनेस है तो थोड़ा सा मोटा है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसको मतलब कवर में ही यूज करा है तो इस पर कोई स्क्रैच वगैरह हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अगर पोर्ट साइड बटन की बात करें तो इसमें देखिए वॉल्यूम बटन के नीचे ही आपको जो पावर बटन मिलता है वहीं फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। उसकी जो सेंसिटिविटी है वो काफी ज्यादा फास्ट है, बहुत जल्दी आराम से अनलॉक कर देता है। ऊपर की साइड आपको 3.5 mm का गड्ढा भी मिल जाएगा, वहां पर आप आराम से ईयरफोन लगा के अपना गाना सुन सकते हो। नीचे की साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा एंड वहीं पर आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा। हालांकि स्पीकर की क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा बेटर नहीं कह सकते लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है, 196 ग्राम का आसपास वजन है तो ओवरऑल इन हैंड फील एंड जो डिजाइन वाइज है वो हमारा काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब देखो नो डाउट कि इसमें जो डिस्प्ले है वो काफी ज्यादा बड़ी देखने को मिलती है लेकिन निराशा ये होती है कि इसमें आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन हाँ हम 9000 में कोई S24 अल्ट्रा वाले फीचर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस प्राइस रेंज पर इतना ही सब देखने को मिलता है। तो डिस्प्ले के हिसाब से कलर्स जो है वो डिसेंट से आपको देखने को मिल जाएंगे, हालांकि इतनी ज्यादा डिटेल्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, बट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि ठीक है। बट हाँ ये चीज की जा सकती थी क्योंकि इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलती है तो थोड़ा ओल्ड फैशन हो जाता है, पंच होल डिस्प्ले दी जा सकती थी। यूट्यूब पर 2K यानी कि 1440p तक सपोर्ट करता है यूट्यूब प्लेबैक, लेकिन HDR का सपोर्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है लेकिन यार प्रॉब्लम वही है कि 60Hz का जो है वो ऑटोमेटिक स्विच होता रहता है। 90Hz जब आप सेट कर देंगे फिर भी ये क्या करता है कि UI पर ही 90Hz चलता है, ऐप में ये ऑटोमेटिक 60Hz हो जाता है, तो इसको फिक्स किया जा सकता है अपडेट के साथ। इस पे डिस्प्ले पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। अब देखिए जब आउटडोर में जाओगे और डायरेक्ट सनलाइट में यूज करोगे तो 600 यूनिट्स तक ये जा सकती है, हालांकि आउटडोर में जब ज्यादा बहुत ज्यादा सनलाइट होती है तो वहां पर थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, लेकिन इतना ज्यादा इशू नहीं होता आउटडोर एंड इंडोर में। तो ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस ठीक रहा है क्योंकि प्राइस को ये जस्टिफाई करता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है Dimensity 6100 प्लस वाला प्रोसेसर है इसमें एंड UFS 2.2 स्टोरेज के साथ देखने को मिलता है। अगर इस प्रोसेसर की बात करें तो यही प्रोसेसर आपको 11-12 हज़ार वाले फोन में भी देखने को मिलता है, कुछ रियलमी के फोन है और भी कुछ फोन है, लेकिन पोको आपको मात्र 8.5 हज़ार में ये दे रहा है। हालांकि इस प्रोसेसर पर आप गेमिंग वगैरह बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ गेमिंग कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस पर गेमिंग नहीं करो तो बढ़िया है क्योंकि अगर आपके पास 4G वाला वेरियंट है तो बहुत ज्यादा लैग देखने को मिल सकता है। BGMI या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर वैसे ऐसे कुछ गेम खेलते हो इस पे तो लैग देखने को मिलेगा आपको अच्छा खासा, अगर नॉर्मल गेम खेलते हो आप तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। एंड इस पे आपको जायरोस्कोप देखने को नहीं मिलता। अब देखो रैम मैनेजमेंट या फिर इसके जो नॉर्मल मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग में इससे इतना इशू देखने को नहीं मिला, यानी कि मल्टीटास्किंग अच्छे से करा देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम में ये मैनेज नहीं कर पाता, सारे एप्स को रिफ्रेश कर देता है, रीलोड होते हैं सारे एप्स जब भी आप एक दूसरे में स्विच करोगे तो रैम मैनेजमेंट का थोड़ा इशू है। हालांकि ये 4G वाला वेरिएंट है तो हो सकता है इसमें इशू हो। अब इसके सॉफ्टवेयर एंड OS की बात करें तो देखिए MIUI 14 एंड्रॉइड 13 के साथ देखने को मिलता है, इसमें अभी तक इन्होंने एंड्रॉइड 14 का अपडेट नहीं दिया है तो अपडेट में ये काफी ज्यादा पीछे रह चुके हैं क्योंकि एंड्रॉइड 14 अब जा चुका है, 15 आने वाला है, बीटा वर्जन आ भी गया। 2 साल का मेजर अपडेट देखने को मिलेगा इसमें आपको एंड 3 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा, हालांकि सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है एंड अभी हाल ही में अपडेट कराया, आपने कुछ देख सकते हो। अब देखो एक तरीके से अगर देखोगे तो इस प्राइस पॉइंट पर जो आता है उसमें ब्लॉटवेयर एक्सपेक्ट कर जा सकते हैं जैसे कि एक्सपेक्टेड होते हैं, तो ब्लॉटवेयर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, उनको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी तो आप इसको क्लीन कर सकते हो, लेकिन हाँ ब्लॉटवेयर काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं तो भाई है ना कि कहीं तो कॉस्ट कटिंग करी जाएगी तो उन्होंने यहाँ कर ली। भाई अगर बैटरी की बात करिए तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी एंड 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, हालांकि बॉक्स में आपको केवल 10W का ही चार्जर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करते हो तो लगभग 2 से 2.5 घंटा लग सकते हैं इसको चार्ज करने में, लेकिन अगर आप किसी बड़े चार्जर से चार्ज करते हो जो कि 18W को मैक्स सपोर्ट करता है तो ये 1 घंटे के आसपास चार्ज हो सकता है। एंड अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो एक दिन आराम से काट देता है। तो आप बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट की, देखिए इसमें आपको 50MP का AI डुअल कैमरा देखने को मिलेगा बैक साइड में जो कि रिंग वाली शेप में है एंड फ्रंट में आपको 5MP की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी। तो देखो अगर बैक कैमरे की बात करें तो देखिए जहां लाइटिंग वगैरह अच्छी है तो वहां पर ही डिटेल्स वगैरह थोड़ी अच्छी निकाल देता है, जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूं यहां पर जूम करने पर डिटेल्स वगैरह ठीक निकाल रहा है 50MP वाले की बात करें तो। एंड अगर नॉर्मल वाले की बात करें अगर 50MP से नहीं खींचते तो वहां पर आपको जूम करने पर इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं देखने को मिलेंगी, थोड़ी नॉइस देखने को मिलेगी एंड शार्पनेस वगैरह भी इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी, मतलब ओवरऑल एवरेज सा है। एंड अगर पोर्ट्रेट की बात करें तो पोर्ट्रेट ठीक ठाक से देखने को मिलेगा क्योंकि सब सॉफ्टवेयर के द्वारा करा जाता है इमेज प्रोसेसिंग से, पोर्ट्रेट अच्छा लगेगा देखने में एक तरीके से, लेकिन हाँ डिटेल्स वगैरह इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी एंड ब्लरी सा थोड़ा सा इमेज देखने को मिलेगा। बट अगर एक तरीके से प्राइस के हिसाब से देखूं मैं तो
ये बहुत ज्यादा अच्छा कैमरा मैं बोल सकता हूँ इसको। एंड अगर सेल्फी की बात करें तो सेल्फी में भी सेम वही हाल है, सेल्फी कोई खास ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ कहीं कहीं डे लाइट अच्छी होती है वहां पर, तो काफी ज्यादा अच्छे इमेज निकाल देता है। भाई आप 180-30 fps पर बैक कैमरे से वीडियो शूट कर सकते हो एंड फ्रंट से भी 180-30 fps पर ही शूट कर सकते हो। दोनों की क्वालिटी आप देख सकते हो, ये है बैक कैमरे की क्वालिटी किस तरीके की है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी। तो ओवरऑल थोड़ा डिसेंट सा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह सकते, एवरेज सी क्वालिटी है कैमरे की। बाकी कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी आपको देखने को मिलता है क्योंकि इसमें आपको MIUI डायलर देखने को मिलता है, तो आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड ऐप लॉक एंड ऐप हाइड का फीचर भी देखने को मिल जाता है इसमें, आप आराम से कर सकते हो ऐप लॉक वगैरह। एंड वहीं अगर 5G कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसमें हमें 5G में अभी तो कोई इश्यू देखने को मिला है, काफी ज्यादा अच्छी स्पीड आती है, स्पीड मैंने टेस्ट भी करी थी आप खुद भी देख सकते हो। एंड अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो देखिए इसकी रेंज काफी ज्यादा अच्छी है, हमने काफी दूर तक इसको यूज करा है, तो अगर आप 5G के लिए केवल यूज करना चाह रहे हो इस फोन को तो कनेक्टिविटी के लिए आप यूज कर सकते हो 5G डेटा यूज करने के लिए। तो फाइनली अगर प्राइस की बात करें तो इसका देखिए बेस ब्रांड अभी 8499 का आपको देखने को मिल जाएगा एंड 6128 वाला वेरियंट अभी 9999 का देखने को मिलेगा एंड 8256 वाला 11499 का देखने को मिलेगा एंड एक वेरियंट और भी है 4128 में जो कि 9299 का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर कहना चाहूं तो आप बिल्कुल खरीद सकते हो इस फोन को। अगर आपको और भी सस्ता लेना चाह रहे हो तो इसका एक वेरिएंट और भी आता है पोको M6 5G लॉक्ड विद एयरटेल, जो कि यहां पर आपको वीडियो दिख रही है, इस पर आप क्लिक करके वीडियो देख सकते हो उसको। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।